कुछ लोगों ने उसके साथ बम पटाके चला के उसका एक हिस्सा जख्मी कर दिया था। उसकी जो पूरी स्किन थी, वो बेचारी गाय बैठी हुई थी तो उसकी सारी स्किन बिल्कुल बिल्कुल जली हुई थी। बेचारी गाय का खून निकल रहा है, लेकिन लोग बाग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं उस गाय को, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन वो हादसा मेरे मन में, जहन में अभी तक भी चलता आ रहा है। हमारी गौशाला का नाम डाबर हरे कृष्णा गौशाला है। जो हमारी गौशाला तकरीबन 15 एकड़ में बनाई गई है। आज के डेट में लगभग 4 से 4.5 हज़ार के करीब गोवंश हैं। हमारे पास जो गायें आती हैं तकरीबन वृद्ध होती हैं, और जो कमज़ोर होती हैं, अपाइज होती हैं, जख्मी होती हैं। तकरीबन हमारे पास 70 के करीब स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, दवाइयों से इलाज करते हैं, पूरी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। फिर भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम सभी गायों का इस तरीके से इलाज कर पाए। हमारी गौशाला शहर से बहुत दूर है, जिसकी वजह से हमें दान नहीं आता है। जो भी हम कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं। गौशालाएँ जो हैं लोगों के सहयोग से चलती हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गोदान महादान। अभी हर कोई व्यक्ति गो सेवा नहीं कर पाता, कुछ करना भी चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त हमें चारे और दवाई की बहुत आवश्यकता है। आपसे अपील है इस वीडियो के माध्यम के जरिए हमें चारा और दवाइयाँ पहुँचाएं और हमारी मदद करें।